జనవరి 22న ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరగబోతోంది బాలరాముడి విగ్రహానికి. అందులో భాగంగా అంగరంగ వైభవంగా అయోధ్యాపురి ముస్తాబైంది. భవ్య దివ్య రామ మందిర నిర్మాణం కోసం అందరూ తల ఒక చెయ్యి వేస్తున్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులంతా ఇక్కడికి వస్తున్నారు, విశిష్ట అతిథులుగా రాబోతున్నారు. మనతో పాటుగా ఉన్నారు నేపాల్ నుంచి జనక్పురి మేయర్ వచ్చారు. వీళ్ళు 38 వెహికల్స్, మన వెనకాల కల్పిస్తున్నటువంటి ఈ వెహికల్స్ అనేవి 38 వెహికల్స్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో అమ్మవారికి సీతామయ్యకి సంబంధించి పుట్టింటి సారేగా వాళ్ళు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు, అమ్మవారికి బహుకరించబోతున్నారు. మనోజ్ కుమార్ షాజీ నమస్కార్. నమస్తే. आप पहली बार आए हैं आप मैया के लिए ये सब लेके? मैं तो पहले भी आ चुका हूँ. मैं ये देवशिला लेके भी आया था. ओके. जो प्रतिमा भगवान श्री राम का बननी है उसके लिए देवशिला यहाँ आया हुआ है, उसमें भी आए थे. और इस बार हम लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो हम लोग को समझ है कि इस बार सतयुग द्वापर त्रेता से होते हुए आज कलयुग में भी श्री राम राज्य स्थापना होने जा रही है. जो ये भारत सरकार को बधाई देना चाहूँगा, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और भगवान श्री राम और सीता जी का गृह प्रवेश हो रहा है. और गृह प्रवेश का मतलब होता है कि हम लोग जो मायके वाले हैं, जो राम जी का ससुराल अयोध्या से जनकपुर धाम नेपाल में पड़ता है और नेपाल से हम लोग आए हैं, तो वहाँ जो माँ जानकी अपने गृह प्रवेश में जा रही हैं उनके लिए विभिन्न आवश्यक वस्तुएं, जैसे फ्रूट्स हुआ, फल हुआ, कुछ फर्नीचर्स हुए, गहने हुए, वो सारे उपहार संपूर्ण नेपाल वासियों के द्वारा, मिथिला वासियों के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था उसके प्रतिनिधित्व में हम लोग 500 लोग यहाँ आए हैं. 4 जनवरी को वहाँ से 4 तारीख को हम लोग चले थे, 5 तारीख को होल्ड किए, फिर 6 तारीख को यहाँ पहुँच के सुबह चंपत राय जी को हमने RSS में कार सेवापुरम में उनको सपुर्द किया है, पंकज भाई जी को सपुर्द किया है और यहाँ सभी मठों मंदिरों में वो उपहार जा रही है. सो मनोज जी, आप बोल रहे हैं कि जानकी मैया अपना खुद का एक घर बना रही है पहली बार, इसीलिए जो भी हो चीजें वो सब लेके आए आप घर से. हाँ, ये कलयुग है, वो तो हमेशा इस प्रकट ही रहती हैं, लेकिन इस कलयुग में हम लोगों को अनुभूत हो रहा है कि पुनः से उनका गृह प्रवेश हो रहा है. ओके. तो आप फिर से आ रहे हैं 22 को? 22 तारीख को हमारे मान्य महंत जी राम तपेश्वर दास जी यहाँ आएंगे, उनको निमंत्रण मिला हुआ है. और संपूर्ण मिथिलावासी और नेपालवासी अपने अपने मंदिरों पर, अपने अपने घर पे रह के हम लोग वहाँ जो माँ जानकी का घर है, जानकी मंदिर, वहाँ पर दीपोत्सव करेंगे. हम लोग यहाँ भीड़ नहीं करेंगे. हमारे लोग के प्रतिनिधि के रूप में मान महंत राम तपेश्वर दास जी यहाँ आएंगे 22 जनवरी को. हम लोग जनकपुर में ही धूमधाम करेंगे. तो इस गाड़ी में कम्प्लीटली फुल है आपका जानकी मैया के लिए वो सब चीजें लेके आए? ये ऐसा 3 गाड़ियां हैं, हम लोग 100 गाड़ियां लेके आए थे. 100 गाड़ियां से कल से ही कुछ साथी लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और इस तरह का ट्रक वहाँ हजारों भार थी. और साथ में मैं यहाँ के मेयर साहब के लिए भी उपहार लेके आए थे, उनके घर भी हम लोगों ने भार पुगाया है और जितने भी भार है वो सभी मठ मंदिरों में जाएंगे. इसमें 100 गाड़ियों में क्या क्या चीजें हैं जानकी मैया के लिए? इसमें खाने पीने की चीजें हैं, चावल है, दाल है, इसके बाद मिठाइयाँ हैं, वस्त्र है, इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और कुछ गहने, सोना चांदी भी है. हाँ, और गहने जो बन पड़ा है सोना चांदी भी लेके आए, यहाँ तक राम जी के लिए खराव भी लेके आए और धनुष बाण भी लेके आए. लवकुश के लिए क्या लाए? लवकुश के लिए भी है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, जितना बन पड़ा सब कुछ है. अब एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे लेकिन कुछ ऑर्नामेंट्स भी है. सो राम परिवार के लिए कम्प्लीटली आप लेके आए? अभी हम लोग हर्ष विभोर है और इस विषय खुशी मना रहे हैं और भारत वर्ष को और अयोध्या वासियों को बहुत बहुत ही नमन करना चाहूंगा इस अवसर के लिए.
हम लोग को मानना है सिया के बिना राम कंप्लीट नहीं हो सकता है। हाँ। और इसके बाद सम्मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और सपना है रामायण सर्किट बनाने का। हाँ। ये जो 22 जनवरी का पूरा हो रहा है तो रामायण सर्किट जब बनना प्रारंभ होगा उसमें नेपाल के बिना ये रामायण सर्किट अधूरा हो जाएगा, क्योंकि जनकपुर धाम नेपाल में पड़ता है और जनकपुर जी माँ जानकी का, राम जी का जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं, जहाँ जहाँ उनका चरण पड़े हैं, वो सारे लीलाओं को विभिन्न स्थलों के वर्णन करके उस रामायण सर्किट में जोड़ा जाएगा। उसके लिए नेपाल सरकार के तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से और स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के तरफ से भी हम लोगों ने सम्मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और आने वाले दिनों में इस रामायण सर्किट पूरा होने में हम लोग मदद करेंगे, यह आह्वान करना चाहता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, వస్తువుల్లో భాగంగా మనకి చీరా సారే ఉంటాయి, అమ్మవారికి కావలసినటువంటి కిచెన్ లో ఉండాల్సినటువంటి వస్తువులతో పాటుగా బంగారు ఆభరణాలు, వస్త్రాలు, చీరా సారే, పసుపు కుంకుమలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. కేవలం సీతామయ్య కోసమే కాదు, రాముడు కోసము ఉన్నాయి, లవకుశుల కోసము ఉన్నాయి, రామ్ పరివార్ అందరి కోసము ఉన్నాయి. సో ఇది జనక్పురి వాసులతో స్పెషల్ షో.